नमस्कार। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से ऐसे 10 काम हम करते हैं जिससे हमारी उम्र कम होती है और हम हमेशा बीमार बने रहते हैं। अगर इसको हम उल्टा करके देखें तो हम ये जानेंगे कि कौन से ऐसे 10 काम को हम छोड़ दें जिससे हमारी उम्र भी बढ़ जाए और हम हमेशा स्वस्थ बने रहें। सबसे पहला नंबर एक में आ जाता है काम कि हम बैठे रहना। हम बैठक का काम ज़्यादा करते हैं, दिमागी काम ज़्यादा करते हैं, जिससे कि हमारा शरीर जो होता है वो पेट आगे बढ़ जाता है, पाचन तंत्र गड़बड़ा जाता है, हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, जिससे हमारी उम्र भी कम हो जाती है और हम हमेशा बीमारियों में जकड़े ही रहते हैं। कभी कोई बीमारी, कभी कोई बीमारी, क्योंकि आजकल ज़्यादातर बच्चे हों या बड़े हों, हमेशा ये चाहते हैं कि मैं बैठ के लेट के ही काम करूँ, हम मैं मेहनत वाला काम ना करूं। नंबर दो में आ जाता है ज़्यादा मात्रा में केमिकल का। ऐसे क्रीम आते हैं, ऐसे जेल आते हैं, ऐसे मेकअप आते हैं जिसका इस्तेमाल हम अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए करते हैं, मगर क्या होता है उसका जो साइड इफेक्ट होता है हमारी त्वचा पे, हमारे शरीर के अंदर पड़ता है, जिससे हमें तरह तरह के रोग हमें तंग करते हैं, जिससे हम हमेशा बीमार भी बने रह सकते हैं और हमारी उम्र भी कम हो जाती है। नंबर तीन पे आ जाता है टेंशन। टेंशन ज़्यादा रखने से क्या होता है कि हमें दिमाग से संबंधित तरह तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं। जब हमें दिमाग से संबंधित तरह तरह की बीमारियाँ होती है तो हमारा पाचन तंत्र गड़बड़ा जाता है और हमारा शरीर हमेशा बीमार बना हुआ रहता है और दिन प्रतिदिन हम परेशान रहते हैं। नंबर चार, जरूरत से कम नींद लेना भी हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। अगर हम रात को मोबाइल पे लगे रहें, मोबाइल का जरूरत से ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करें, टीवी का, कंप्यूटर का जरूरत से ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, या हम रात को नहीं सोते हैं या चाय कॉफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिससे हमें नींद कम आती है, और हमारे को नींद कम आती है तो हमारे शरीर में तरह तरह के रोग को उत्पन्न करती है और हमें बीमार बनाती है और हमें हमारी उम्र को भी कम करती है। और जब नींद कम आती है तो हमारे शरीर में ना बहुत सारी ग्रंथियाँ होती हैं, हर जगह पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई ग्रंथि होती है जो एक हार्मोन्स तैयार करती है। उस हार्मोन्स में असंतुलन हो जाता है तो तरह तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। नंबर पाँच पे आता है कि ज़्यादातर हम एसी में अपना समय बिताते हैं, जिससे हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम बहुत गड़बड़ा जाता है, फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं और इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने पर तरह तरह के रोग हो जाते हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमें पैदल ना चलना पड़े, सूरज की रोशनी में ना रहना पड़े, और सूरज की रोशनी में ना रहने का साइड इफेक्ट ये होता है कि हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे वायरस का, बैक्टीरिया का, फंगस का प्रभाव पड़ जाता है जो हमें भयंकर से भयंकर बीमारी भी हमारे शरीर में उत्पन्न कर देता है और हमारे शरीर की हड्डियों को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देता है और उसमें तरह तरह के रोग उत्पन्न कर देता है। नंबर छः पे आ जाता है दारू का ज़्यादा इस्तेमाल करना या बीड़ी सिगरेट का ज़्यादा इस्तेमाल करना। आजकल क्या होता है कि बहाने ढूंढते हैं लोग कि अरे आज तेरा जन्मदिन है, आज तेरा मैरिज एनिवर्सरी है, आज ये है, आज वो है, फलाना ढिंगरा है, तो चले यार शाम को पार्टी करेंगे। तो उससे भी हमारे शरीर में क्या होता है कि हमारे शरीर का ओझ खत्म होता है, हम जल्दी झुंझला जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, और हमारे दिन प्रतिदिन क्या होता है कि शरीर का इम्यून सिस्टम खत्म होता चला जाता है, पाचन तंत्र खराब होने लग जाता है। आप देखेंगे ना कि जैसे रात को ड्रिंक करते हैं तो अगले दिन शुरू में भारीपन बना रहता है, पेट अपसेट हो जाता है, और कई लोग आते हैं जो पेट से परेशान होते हैं, उनसे पूछते रात को दारू ली थी, कहते हैं हाँ जी पी थी जी, इसीलिए आना पड़ा। तो ये कहने का मतलब नशीले पदार्थ का इस्तेमाल करने से भी हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम और शरीर कमज़ोर हो जाता है और हमें बीमार कर देता है। नंबर सात, गुस्सा ज़्यादा करना। गुस्सा ज़्यादा करते हैं तो हमारे शरीर का पित्त बढ़ जाता है। पित्त बढ़ने से हमारे खून में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सातों धातुओं में, शरीर के अंगों पे, नसें, नाड़ियों पे इसका दुष्प्रभाव पड़ता है और तरह तरह के रोग उत्पन्न करता है। नंबर आठ पे आ जाता है कि कोई चीज़ हम जरूरत से ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं तो वो भी हमारे शरीर को नुकसान करती है। जैसे कोई चीज़ हमें बहुत प्रिय है और वो बनी, हम उसका इस्तेमाल खा, स्वाद अच्छा होता है, हम जरूरत से ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं तो वो भी हमारे शरीर को नुकसान करती है, पाचन तंत्र को बेकार करती है, तरह तरह के रोग उत्पन्न करती है। इसी तरह कई बार क्या होता है, कोई एक चीज़ हमें बहुत प्रिय है पीने वाली चीज़, तो दही, लस्सी या अन्य चीज़ जो पीने वाली होती है वो बहुत अच्छी लगती है और वो हमारे सामने आई तो हम जरूरत से ज़्यादा मात्रा में पी लेते हैं तो वो भी हमारे शरीर को नुकसान करते हैं, जिससे हमारे शरीर में तरह तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं।
नंबर 9 पे आ जाता है, छोटी छोटी तकलीफ़ों पे हम दवाइयाँ खाते हैं, क्योंकि कोई भी दवाई हम इस्तेमाल करते हैं उसका कोई ना कोई दुष्प्रभाव कहीं ना कहीं वो पड़ता ही पड़ता है, और जिससे क्या होता है कि हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली कमज़ोर हो जाती है और हमें लंबे समय तक बीमारी बनी रहती है, कोई ना कोई हमें बीमारी तंग करती है, एक जाती है दूसरी आती है। तो इसीलिए कोशिश करें जो आपकी बीमारी सहन लायक हो, छोटी बीमारी है, उसको आप नज़रअंदाज करें और छोटे मोटे घरेलू नुस्खे लेके ही उसको ठीक कर लें। उसके लिए एंटीबायोटिक्स या पेन किलर का इस्तेमाल मत करें, और जो ज़्यादा बेकार बीमारी है उसी में आप इस्तेमाल करें दवाइयों का, और उसका इस्तेमाल करके अपनी बीमारी को जल्द से जल्द ठीक करें, मगर छोटी मोटी बीमारियों में घरेलू नुस्खे से ही उसे ठीक करने की कोशिश करें। नंबर 10 पे आ जाता है, ज़्यादा मात्रा में मोबाइल का इस्तेमाल करना। आज के समय में हम 5 मिनट भी बिना मोबाइल के रह नहीं सकते, तो मैं यही चाहूँगा कि आप इन 10 चीज़ों को ज़रूरत के अनुसार ही इस्तेमाल करें, ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल ना करें। आजकल तो बच्चे इतने परेशान हो गए, उनको ऑनलाइन क्लासें भी मोबाइल पे ही करवानी पड़ती हैं, मगर उनका इस्तेमाल उसी टाइम करें, उसके बाद उनको इसका इस्तेमाल मत करने दें, क्योंकि कई बच्चे देखता हूँ गेम खेलते रहते हैं। गेम खेलने से क्या होता है, दिमाग और दिल पूरी तरह से, वो पता है क्या सोचते हैं, हमारा बच्चा बहुत स्मार्ट हो जाएगा। स्मार्ट नहीं होगा, उसके दिल की धड़कन बढ़ेगी, उसको दिल से संबंधित तरह तरह के रोग तंग करेंगे, आंखों की रोशनी खत्म होती चली जाएगी, पाचन तंत्र खराब हो जाएगा, क्योंकि वो चल फिर के तो मोबाइल चलाएगा नहीं, बैठ के मोबाइल चलाएगा, इससे उसका पाचन तंत्र खराब हो जाएगा, दिमाग की सोचने समझने की क्षमता कमज़ोर हो जाएगी, जिससे वो ज़्यादा समय तक किसी चीज़ को याद नहीं कर पाएगा। इसीलिए इन सभी 10 कामों को हम ज़रूरत के अनुसार ही इस्तेमाल करें और अपनी उम्र को भी बढ़ाएं और हम अपने आप को स्वस्थ भी बनाए रखें। और आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।